सो तो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल मै अग्रेम और आप देख रहे हैं स्टडी विद अग्रेम का यूट्यूब चैनल और आज हम जो है फिर से जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर है ना क्योंकि बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है मुझे भी पता है सॉरी गाइस लेटे के लिए तो लेकिन आज हम इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं इसके बाद भी एक और वीडियो आएगी तो गाइस चलिए पिछली बार हमने आवर वर्क पे छोड़ दिया था है ना तो आज हम वर्क से ही स्टार्ट करेंगे स्टार्ट वर्क से स्टार्ट करते हैं वर्क व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्क व्हेन यू अप्लाई फोर्स यू डू वर्क बट इन साइंस वर्क इज सेट टू बी डन इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन चेंजिंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हां तो आ, आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं वर्क से जब आप एक चीज पे फोर्स अप्लाई करते हैं तब आप वर्क करते हैं लेकिन जो तो साइंस है उसमें वर्क का मेन होता है कि जब कोई चीज अपने चेंज करते पोजीशन, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं और वो अपने पोजीशन को चेंज करते हैं तब उसको कहते हैं वर्क ठीक है साइंस में case यू आर ट्राइंग टू पुश अ वॉल do यू स्टिल थिंक वर्क इज बीन डन by यू नो No. इट इज सो बिकॉज the muscular force applied by you would not move the wall. तो जब आप आ, आप ट्राई कर रहे हैं अपनी वॉल पुश कर रहे हैं अगर ट्राई भी कर रहे हैं है ना तो क्या क्या होगा क्या होगा क्या उसे नहीं उसको कुछ नहीं होगा वॉल को वो हिलेगी थोड़ी ना आप पूरा फोर्स लगा देंगे लेकिन वो नहीं हिलेगी क्योंकि आपकी मस्कुलर फोर्स जो है है ना जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो वॉल को मूव नहीं कर सकती जब आप पुल करते हैं अपने चेयर को हाँ ये तो हम पढ़ते हैं प्लीज हाँ जब आप पुल करते हैं अपने चेयर को तो आप वर्क करते हैं क्योंकि आप उसकी पोजीशन को इधर से इधर ले जा रहे हैं है ना When you pull your chair, you do work as you end up changing its position. So, under the conditions where the force is applied,

जब उसकी पोजीशन चेंज होगी तभी वो वर्क करेगा अब आएंगे हम एनर्जी वेन यू रन यू डू वर्क टू रन यू नीड एनर्जी हा जो एनर्जी होती है आपको मिलती है है ना आप वर्क कर रहे हैं जब आप दौड़ रहे हैं तो रन करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड यू ईट

जो हमारे फूड से आती है एनर्जी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं उसको आ, एक एबिलिटी है वो आ, वर्क करने के लिए ठीक है बट सब चीजें तो वर्क करने के लिए खाते हैं खाना सब चीजें जैसे आपका फैन है तो वो क्या खाना खाएता है आरे आरे आंसर इज नो

electrical energy is used to move machines like fans, electric motors, tube wells, and other electrical machines in factories. Haan, electrical energy means is electricity. Se electrical uh, energy use hai, move machines machine, fans, unko electricity, chahi, electric motors, tube wells, or uh, other electrical uh, machines. फैक्ट्रीज में भी मशीन होती हैं तो उनको भी जो है इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है कैन यू थिंक ऑफ सम अदर मशीन्स दैट वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी इन योर हाउस क्या आप थिंक कर सकते हैं कुछ और चीज़ें जो आप क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड जैसे कि बहुत सारी चीज़ें वैसे कपड़े प्रेस करने के लिए प्रेस होती है है ना और गर्म पानी करने के लिए गीज़र होता है ऐसे अलग अलग चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं

तो दो टाइप के गीजर्स होते हैं वो तो गीजर की बात है ना तो अब आती है हीट एनर्जी जो हीट एनर्जी होती है वो कुकिंग फूड को कुक करने के लिए होती है जो एल सिलेंडर वाला गीजर होता है उसमें भी यही होता है पानी में जो है गर्म हो जाता है वो आग से हीट से और फिर उससे नहा सकते हैं मुआ जा सकते हैं कुछ भी ठीक है जो सन है वो एक हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें है ना वाटर चेंज वाटर वेपर में चेंज रहता है वाटर इस हीट के इस हीट से है ना अब हम पढ़ेंगे विंड एंड वाटर एनर्जी विंड एंड वाटर एनर्जी हैव यू सीन पिक्चर्स ऑफ अ विंडमिल विंड एनर्जी इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स ऑल्सो इन अ डैम

जो विंड एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए होती है विंड मिल जब घूमते हैं तब उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो है ना और डैम में जो है वो एनर्जी जो है मूविंग वाटर की वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी ठीक है फिर आता है सोलर एनर्जी सोलर एनर्जी द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन Plants absorb the द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस फूड दिस फूड फ्रॉम plants इज eaten by us. फूड gives अस एनर्जी तो जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का अर्थ पर है ना प्लांट जो है ऑब्जर्व करते हैं हैं करते है, लाइट को एनर्जी जो आती है सन से जो एनर्जी आती है उससे और जो प्रोड्यूस करते हैं फ्रूड फूड कौन प्रोड्यूस कर रहा है प्लांट्स है ना नो ये फूड है ये plants से जो फूड आ रहा है ये हम खुद खाते हैं और फूड हमें देता है एनर्जी दस दन एनर्जी इज चेंज इन टू फूड विच अस एनर्जी टू वर्क तो जो सन की एनर्जी है वो चेंज uh, करती है चेंज इन टू फूड है ना जो सन की एनर्जी है वो चेंज हो जाते so example, हाँ तो इसमें बताया गया हाँ मतलब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अगर गीजर हम कनेक्ट कर ले सोलर पैनल से तो जो है जब भी लाइट पड़ेगी सोलर पैनल पे तब जो है वो चलेगा गीजर है ना और स्ट्रीट लाइट्स के लिए भी आजकल होने लगा है कि वहां पर लगा लो और छोटे छोटे से पैनल्स भी आते हैं उनमें फोन चार्ज कर सकते हैं ऐसे अलग अलग चीजें आती हैं लेकिन मैं फोन चार्ज करने के लिए वो छोटे वाले पैनल की बात कर रहा हूँ वो सोलर पैनल की बात नहीं कर रहा हूँ तो अभी आगे पढ़ेंगे हम फ्यूल्स फ्यूल्स व्हीकल्स लाइक कार्स बसेस मोटरसाइकल्स ट्रेन एक्सेट्रा रिक्वायर फ्यूल टू मूव फ्यूल्स लाइक पेट्रोल डीजल एंड सी एनजी और कंप्रेस नेचुरल गैस आर ऑब फ्रॉम पेट्रोलियम तो व्हीकल जो होते हैं जैसे कि कार बसेस मोटरसाइकल्स और ट्रेन है ना इनको फ्यूल चाहिए होता है मूव करने के लिए कुछ कुछ ट्रेन तो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं लेकिन कुछ डीजल से भी चलते हैं है ना जो फ्यूल्स हैं जैसे कि पेट्रोल इलेक्ट्रिस डीजल और सीएनजी सीएनजी होते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो ऑप्टेन की जाती है पेट्रोलियम से है ना फिर पेट्रोलियम इज फाउंड अर्थ इन समय द सी बेड इन लार्ज क्वांटिटीज ऑफ पेट्रोलियम सी बेड ऑफ द अरेबियन सी नियर मुंबई हाँ तो जैसे ये पेट्रोलियम जो है वो फाउंड किया जाता है मतलब वो खोजा जाता है अर्थ के अंदर पेट्रोलियम जो होता है कुछ प्लेसेस में वो डिग डिग करते हमारी कंट्री में बहुत क्वांटिटी का पेट्रोलियम जो है बहुत सारी क्वांटिटी का पेट्रोलियम पाए जाते किसके सी बेड किस में अरेबियन सी के आ, सी बेड में जो मुंबई के पास है कुकिंग गैस और एल पी जी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज ऑल्सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हाँ, तो जो कुकिंग uh, गैस या फिर एल पी जी एल पी जी का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वो ऑप्टेन किया जाता है पेट्रोलियम से ये जो रिसोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज इज अ मेजर कॉज ऑफ वरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकते है अगर इनका अनकंट्रोल यूज किया जाए तो फिर है कोल कोल इज एन इंपॉर्टेंट फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज हाँ, वाटर को स्टीमर है ना जो विच रन टर्स जो टर्बाइंस को रन करता है जैसे कि यहाँ पर एक चीज भी बताने कि जो डैम से पानी आ रहा है है ना तो यहाँ पर जो है हाइड्रो एनर्जी है ना लिखा है ना हाइड्रो एनर्जी अरे यार, क्या हुआ कोई बात नहीं इसको तो कर लेंगे हम हाँ है ना हाइड्रो एनर्जी Coal is an important fuel for domestic and industrial use. Coal is burnt to convert water into steam, which runs turbines to produce electricity. Turbines use electricity. So, thermal energy? It is called thermal energy. Coal mines are mainly located in Bihar, Jharkhand, and West Bengal in our country. कोल माइंस जो है हमारे मेनली जो है लोकेट की जाती हैं बिहार में झारखंड में और वेस्ट बंगाल में हमारी कंट्री में कोल टू इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नीड्स टू बी यूज्ड विथ केयर यह भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है इसलिए इसको भी केयर के साथ यूज करना चाहिए है ना सोर्सेज लाइक वाटर विंड एंड द सन आर रीनबल रिसोर्सेज as these can be used again and again.

प्लेंटी uh, plenty, plenty में अवेलेबल है, है ना? और फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं मतलब ये बिल्कुल uh, बहुत सारे है मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़े से मतलब नॉन रेनेबल है अगेन बार बार इनको यूज किया जा सकता है, है ना और फ्री है कॉस्ट के लिए ऑल्सो दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी डू नॉट पॉल्यूट दी एनवाइ और ये पोल्यूट भी नहीं करते करतेरमेंट को तो गाइस इस वीडियो में इतना ये चैप्टर हो जाए खत्म अगला चैप्टर है अगला चैप्टर कौन से देखते हैं जल्दी से मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज तो इसको पढ़ेंगे अगली वीडियो में तब देख लिये बाय बाय